शालीन भनोट को बिग बॉस ने अर्चना के साथ हुए झगड़े के बाद 2 हफ्तों के लिए सीधे नॉमिनेट कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें पूरे बिग बॉस सीजन में कैप्टन न बनने की सजा भी दी थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शालीन काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद बिग बॉस शालीन के लिए घर में डॉक्टर भेजते हैं। शालीन को मेडिकल रूम में बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर से इलाज कराने की बजाय वह उनका डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। शालीन डॉक्टर को कहते हैं कि आप इलाज नहीं कर सकते, आप मेरे ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। इस दौरान डॉक्टर शालीन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डॉक्टर की योग्यता पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि क्या आपके पास MBBS की डिग्री है, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। शालीन डॉक्टर को टच तक नहीं करने देते और मेडिकल रूम से बाहर आ जाते हैं। शालीन का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अगली सुबह वह बिग बॉस एंथम गाने से मना कर देते हैं और एक और नियम तोड़ देते हैं। वहीं सभी कंटेस्टेंट नींद में होने के बावजूद एंथम गाते हैं, लेकिन शालीन वहीं चुपचाप खड़े रहते हैं। इन सब के बीच घर के नए कैप्टन गौतम सभी के बीच ड्यूटीज को डिवाइड करते हैं और शालीन को क्लीनिंग की ड्यूटी देते हैं, लेकिन शालीन अपनी ड्यूटी से इनकार कर देते हैं। इस पर गौतम शालीन से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये जरूर कहते सुने जाते हैं, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इसके लिए अरेंज कर लूंगा।